मरने जा रही है, इसने रोड पे बैठना है भाई, क्यों बैठ ली रोड पे और ये भी बैठ लिया। तुम्हें कुछ नहीं मिला खाने के लिए तो हम तो शॉपिंग कर लेंगे अगर... तो भाइयों डे टू की शुरुआत हो चुकी है, ये देखो गाइस पूरी पैकिंग तैयार। चलो भाई चलो चले। और इनके यहाँ पे थोड़ा छोटा फार्म टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें खरगोश वरगोश मुर्गे और भी कुछ कुछ है, अब इसको सुबह सुबह सब खाने में लगे हुए हैं। चलो चलो भाई खुद भी खाना है कुछ कर दिया भाई, चलो भाई तू भी निकल अब। तो कल आपको रात को शाम को चर्च दिखाई थी क्योंकि प्रीति को फोटो शूट कराना था, तो ये बोलती मैं दोबारा ही जाऊंगी, प्रीति बोलती मैं दिन में भी फोटो खिंचाऊंगी, मैंने कहा चल तेरे को आउट ऑफ फोकस कर देता हूँ चर्च ले लेता हूँ। तो भाई आपको जल्दी जल्दी दो मिनट में एक राउंड करा देते हैं चर्च का, आपको पता चल जाएगा दिन में कैसी दिखती है, फिर आगे बढ़ते हैं। चर्च है वैसे तो बंद है बट यहाँ से हम खिड़की से थोड़ा देख सकते हैं, 1935 में बनी थी। कहाँ की तैयारी अब हम जा रहे हैं वानका लेक। वानका वानका ओके गाइस आपको वनाका घुमाते हैं, गाड़ी में घुसो भाई जल्दी जल्दी। तो ये है पुकाकी एयरपोर्ट गाइस, ट्विजल में है ये, आधे घंटे की ड्राइव है लेक टिकापू से। अगर कोई भी भाई और बहन माउंट कुक ग्लेशियर की फ्लाइट लेना चाहता है या हेलीकॉप्टर राइड लेना चाहता है तो यहाँ पर आए गाइस, इसके अंदर आप रह सकते हैं, स्पेसशिप है ये, पर इसके अंदर पूरी अकोमोडेशन है, बाहर से छोटा दिखता पर अंदर से काफी स्पेशियस है। तो आज हम प्रीति को इसी में छोड़ के जाएंगे क्योंकि ये बोल रही थी मैंने चांद पे जाके वीडियो बनानी है। तो गाइस अगर आपको देखना है कि अंदर से कैसा है तो आप सब्सक्राइब बटन पे इधर उधर कई वीडियो आ रही होगी उसको क्लिक करें और देखें, तो ये वीडियो दिख जाएगी आपको इसमें। मरने जा रही है इसने रोड पे बैठना है भाई क्योंकि ओके एक दो मिलियन का कर दियो ठीक है दो घर आ जाएंगे भाई फोन दे पहले। ये देखो गाइस ये फोटो के लिए बैठ ली रोड पे और ये भी बैठ लिया। और भाइयों ये देखो ये यहाँ पर घूमने नहीं आए हैं, ये एकदम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ पार्क वार्कों में आशिक पड़े होते हैं। yes, क्या चल रहा है भाई ये बुद्धा गार्डन में, भाई क्या चल रही है? देखो भाइयों जंगल में मंगल होगा आपने भाइयों। हाँ केडी तो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, केडी वीडियो नहीं बनाएगा, केडी को तो मिल गया कंटेंट। यूट्यूब मारूंगा ये देखो भाइयों कितने सारे हिरन सब एक लाइन में चल पड़े हैं। तो भाइयों सवारी पहुंच चुकी है लेक वनाका क्योंकि इनको लगे बहुत ज़्यादा भूख, हर बार इनको भूख ही लगी होती है। तो गाइस पहले खाना खाना है घूमना है, पहले खाना खाना है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने तो कोई सब, ये तो मुंह छुपा के खड़ी है वीडियो में नहीं आना इसको। और ब्रो खाना घूमना तैरेंगे भाई क्या खाना घूमना, ठीक बात है सबसे ज्यादा यही खाएगा। तो भाई आप लेक टिकापू से आप सीधा क्वींसटाउन जाते हो, तो क्वींसटाउन जाने से बीच में ही एक राइट में रास्ता जाता है, तो वहाँ से आप लेक टिकापू आ सकते हो क्योंकि आपकी एक डेस्टिनेशन और कवर हो जाएगी, काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। और यहाँ से आप खाना वाना खा के लेक घूम के
तब आप सीधा यहाँ से क्वींसटाउन के लिए निकल सकते हो। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही, आप जो कहते हो हमेशा सच कहते हो, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हो। अच्छा आज ये इतनी कती लाल रंग की पेरिस क्यों यार? अब ट्रिप हम तो क्वींसटाउन आए थे तो पेरिस पहना ही। तो फिर लोगों को कंफ्यूज करना चाहिए ना कि कहाँ हूँ मैं, क्या पहन रही हूँ। तो सुन लिया गाइस, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हम पेरिस में हैं। हम कहाँ हैं गोलू? पेरिस में। हाँ जी, स्विट्जरलैंड। हाँ जी, अभी हम स्विट्जरलैंड में हो। तो गाइस हम यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते हमको मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल लेक के सामने आपको मिल जाएगा बॉम्बे पैलेस, तो वहीं बालकनी में बैठ के खाने की सोच रहे हैं। और ये कहीं से भी रोड क्रॉस कर देती हैं लड़कियाँ। और देख रहे आप, अब हम कैसे करेंगे? एक तो ये मानती कोनी पूरी मार्केट है भाई यहाँ पर खाने पीने की। किसी लोकेशन पे चीजें बस ऐसे रखी यू बॉक्स। हाँ यही वाला है। तो गाइस कुछ लॉल होता दिख रहा है यहाँ पर, क्लोज दिख रहा है। प्रीति इसको ओपन कर देना। अब गाइस ये देखो, बॉम्बे रेस्टोरेंट के लिए हम आए थे स्पेशली, लंच यहाँ पे करेंगे बट ये क्लोज हो चुका है शायद लंच के लिए। तो गाइस इन्होंने बोल दिया है कि रेस्टोरेंट बंद है, तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको लंच में दो से पहले आना है। सुबह आई थिंक दो से पहले आना पड़ेगा। आप टेक अवे खा सकते हैं यहाँ पर 2 बजे के बाद, बट बैठ के लेक व्यू नहीं खा सकते। जी हाँ, हमने पता कर लिया है, अफसोस। चलो मास्क उतार ले, डर जाएंगे लोग, व्यूअर सब्सक्राइबर्स डर जाएंगे भाई ये मास्क देख करके तेरे वाला। तो भाई आपको पता चली गया है, खाना मिला नहीं, इंडियन खाना नहीं मिला मतलब लेक के सामने, बट हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं और ये पूरी मार्केट ढूंढ रहे हैं, बट देखो क्या मिलता है यार। किसी ने यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट देखा था गाड़ी में से, कश्मीरी नाम से कुछ, उसी को ढूंढने निकले। वो सर्च कर लो ना गूगल पे। कह रही है तुम्हें कुछ नहीं मिला खाने के लिए तो हम तो शॉपिंग कर लेंगे। अरे शॉपिंग थोड़ी खाएंगे, खाना तो खाएंगे। खाने को नहीं मिल रहा तो शॉपिंग कर लेते हैं। तुम तो चार दे जाओगे शॉपिंग करके। शॉपिंग से चार तुम अलग कर लो शॉपिंग। प्रीति प्रीति तुझे तो शॉपिंग नहीं करनी, खाना खाना। मेरे को नहीं करनी, मेरे को खाना खाना। चलो शॉपिंग वाले निकलो पहली फुर्सत में और बाकी आ जाओ इधर। बाकी तो भाई हमको एक दूसरा भी मिला है सगुन, इंडियन एंड नेपाली रेस्टोरेंट जिसमें लिखा है बेस्ट करी इन हरी, बट ये इतने हरी में है कि यार ये भी बंद हो चुके हैं। दोपहर में यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, बट दिख बहुत अच्छा रहा था यार ये, काश खुला होता। मोमोज ही ले लेते हैं। तो भाइयों खाना वाना खा लिया है, अब आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर चिल मारा जा रहा है। सब अपने धूप सेक रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये देखो। हाँ भाई एकदम सर्दियों की धूप, गांव में धूप सेकते हुए, ये तो देखो दीपक लेके आए। थोड़ा उधर आ जाओ। तो खाना खाने के बाद आपने चाहिए मीठा, तो हम आ गए यहाँ पर एक ब्लैक पीक करके आइसक्रीम, तो ये वाली आ गई है। तो भाइयों आइसक्रीम मिल गई है, या इंडिया कॉलिंग चल रही है, ये उच्च उच्च स्कूप्स, रम एंड रेजिन, वॉलनट, डार्क चॉकलेट और एक और भी आइसक्रीम का फ्लेवर है। और हमारी एक मेंबर सुमन वो गायब हो गया, पर उसको ये नहीं पता जब तक वो आएगी सारी आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। तो भाइयों वनाका लेक से हम चले हैं, पर यहीं पास में एक वनाका ट्री है, क्या है वो वनाका ट्री। तो ओए ये देखो वीडियो मैं बना रहा हूँ और सेल्फी में मुझे देख के तू आ रही है, इसलिए मैं रुक जाऊँ। ये झूठी झूठी कहानियां सुना रही है अपने सब्सक्राइबर को है, और ये नहीं जानते इनको कौन नहीं है। लेक बनाका के बिल्कुल पास में आप आते हो तो सब इसको देखने आते हैं, एकदम पानी के बीच में, लेक के बीच में के पेड़ है, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, बहुत ही सुंदर है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ होती है, शाम को सनसेट सनराइज बहुत सुंदर लगता है ये। तो गाइज अब तो बता दो फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे?
हम कल के चले हुए सुबह के, पर हम क्वींस टाउन नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों भाई? बीच में फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बन रही है, कुछ लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस भी बना रहे हैं, बार बार रुक रुक के। ठीक है, ठीक है, कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा। ओके, चेक इन पे। ओके चलो फिर, वैसे ही अब चलो फिर बंद करो अपने कैमरे। भाई जब आप वनाका से क्वींसटाउन जाते हो तो आप वहां पर एक इस तरह की ऐसे पूरी तार देखते हो, तो हमने गाड़ी रोक के हमने देखा, तो यहाँ पे गाड़ी रोक के हमने देखा तो यहाँ पता चला कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, उसके लिए बनाया गया इस तरह से। तो गाइज यहाँ पे अक्सर सभी रुकते हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाया गया, पर यहाँ पर लोग आते हैं अपनी स्टोरीज बनाते हैं और मजाक भी करते हैं, मज़े भी लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो यहाँ पर अपनी ब्रास टांग के जाती हैं, अब चाहे घर से लेके आते हैं चाहे उतार के टांगते हैं, बट वी डोंट नो। भाई ये रोड देख लो, यहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ी रहती है और एक नंबर ज़ूम ज़ूम करती जा रही गाड़ी, शे शे करती, पीछे वाली उल्टी फेंक देगी पीछे वाली। ओके, और पूरी बर्फ से ढक जाती है रोड। आगे आएगा अभी क्वींस टाउन के बोर्ड। तो गाइस आपको अकोमोडेशन दिखाते हैं, मैं ही लास्ट आ रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी से सामान निकाला, ये तो आते ही यहाँ फैल गए हैं। ओ वाओ, ये देखो इनकी हालत, बहुत रोड ट्रिप कर रहे थे। और बाहर से ऐसा है, वो शाम को दिखाता हूँ, ऊपर भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और ये अपना सामान ऊपर पहले टिका के आ चुकी है, थोड़ा स्पीड में दिखा देता हूँ, रूम ही है बस भाई, इधर भी है। तो व्यू बहुत बढ़िया है। अब ये सब तैयार हो चुके हैं, इन्हें लग रहा है हम गाड़ी से जा रहे हैं, पर अभी अभी इनको धोखा लगा कि हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सिटी के अंदर ही रहते हैं। वहां से कहीं मन कर गया जाने का, इसीलिए तो गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये आधी रात को बोलते हैं ड्राइव पे चलो, चलेगा भाई मेरे। फिर वहाँ पे दो दो घंटे बैठोगे तुम लोग, 10 मिनट की दूरी पे कुछ भी हुआ तो उससे पहले खाना खाएंगे तो रात हो जाएगी, सिटी बंद हो जाएगी। तो ये है बहुत ज्यादा ढलान पे, अभी इनको मजा आ रहा है, बट जब ये आएंगे रात को ऊपर चढ़ के तब इनकी वाट लगेगी। केडी को लग रहा है टाउन पास है, जब चलेंगे ना तब पता चलेगा, बीवी याद आ जाएगी। तो टाउन में तो है, बीवी तो पास में है, बोला था गाड़ी ले ले। तो गाइस हम लोग क्वींस टाउन पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो पूरी वाइब चेंज है यहाँ पर। तो गाइज हम आ चुके हैं क्वींस टाउन की मेन स्पॉट पे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे बार यहाँ पर हैं, ये लोग भी मिल जाएंगे डरावने मास्क पहने हुए। ठीक है, ये हमारे पीछे सुंदर लोग भी हैं और हमारे पीछे फ्लोटिंग बार है, और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या यहाँ पर, जो भी यहाँ पर घूमने आता है वो इस स्पॉट पर ज़रूर आता है, आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ, अगली बार आप आएँ तो आप रिलेट कर सकते हैं हम कहाँ घूम रहे हैं। और ये गली ऐसी लग रही है जैसे यहाँ पर दिवाली की डेकोरेशन हो रखी हो, जगमगाहट। हमारी जनता कहाँ रहेगी, एक तो उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। ओहो। तो गाइस हम आए हैं -5 bar, इसके अंदर सारा बर्फ का ही है, पूरा बार बर्फ का है, वो देखना है। तो भाइयों हर बार की तरह हम थोड़े से लेट हैं, तो इन्होंने बोला आज की बुकिंग फुल हो चुकी है, क्लोज होने का टाइम हो गया एज ऑलवेज, बट क्या क्या बंद मिला आज हमें, खाने से लेके पीने तक का
बताओ पूरा बार पूरा ठेका बंद मिला है भाइयों। इसने ये चैलेंज लिया है, यहाँ पर कुछ चैलेंज है इसको। अच्छा अगर 100 सेकंड अगर 60 सेकंड भी रहेंगे तो 10 रुपए। ओके तो सुमन अपनी जान की बाजी आजमाने जा रही है। अगर सुमन लटक जाती है अच्छा रोलिंग है वो ठीक है। तो वो गोला घूम रहा है और लगता नहीं है कि ज्यादा देर ये रुक पाएगी। 15 सेकंड तो सुमन को झोल के बारे में बाद में पता चला। हाँ। उसको लगा सिर्फ लटक जाना है पर वो घूमता भी है भाइयों। हाँ एटलीस्ट तुमने तो ट्राई करी। तो भाइयों हमारी स्पीड देख के आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि भाई अब हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। अब हमें इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत जरूरी है, दोपहर को भी नहीं मिल पाया इसलिए हम बहुत ही स्पीड से। तो भाई लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने बॉलीवुड में खाना खाया था, तो काफी शानदार खाना था, इस बार भी यहीं पे खाएंगे। देखते हैं हमको एंट्री देते हैं नहीं देते हैं। तो भाई फाइनली हमें आज एक पहला रेस्टोरेंट जिसे हमें मना नहीं करा, वो बोल रहे हम ओपन है पर हम लेट जरूर थे पर उन्होंने हमें बिठा लिया है। अब हम यहाँ बहुत ज्यादा पेल के खाने वाले हैं। क्यों भाइयों? एक्चुअली वो पहले इसने पूछा कि हमें ले लो, इसके साथ की तरफ देखा, फिर हम तीन लड़के एंट्री। तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि हमारे साथ जो मॉडल हो गया उनकी वजह से हमको एंट्री मिल गया। ठीक है दिखाते के खा रहे हैं। खाना आ चुका है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से लोग खाने में लगे हुए हैं, बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। प्रीति तो बिल्कुल बात नहीं कर रही है, कह रही जब कहते निपटा दूंगी सारी प्लेट तभी बात करूंगी। तो गाइस बॉलीवुड से निकल चुके हैं, बहुत मजा आया खाना खा के। इसके हालत देखो, शाम को कितनी हॉट बनी घूम रही थी। अब मैंने इसलिए एकदम से वीडियो ऑन करी कि इसकी असलियत दिखा दूं आपको। शाम होते होते सूरज छुपती है, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी जैकेट वैकेट या थोड़े जंपर लेके आया करो। ठीक है तो भाइयों ये जो चीज है थॉग्स बर्गर, ये बार है पर वैसे बर्गर के नाम से फेमस है। अब इसने बार खोल लिया, बेकरी खोल ली, सब कुछ खोल लिया, तो बहुत ज्यादा फेमस है। जब भी यहाँ भीड़ लगी पाएगी आपको। तो इन्होंने यहाँ पे बेकरी बना दी है, सब बना दिया और बहुत फेमस है यहाँ पे। बर्गर मिलते हैं और बहुत बड़ा बर्गर मिलता है, जो भी यहाँ पर आता है वो बर्गर जरूर खाता है। पर हम नहीं खा रहे, हम अपने इंडियन खाना खा के निकले तो कोई चक्कर नहीं है बर्गर की। इन सब की हालत देखो भाइयों, एकदम हाफ हाफ के, क्योंकि अब हमारा जो घर है वो थोड़ी ऊंचाई पे है, ढलान आप देख सकते हो हम कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, वो पीछे सिटी है बस। और ये केडी का आइडिया था। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस अपनी बालकनी से क्वींस टाउन थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है, ये सिटी है। तो ये देख लो भाइयों रात कैसे कट रहे हैं यहाँ पर। गाइस ये देख लो इनको, टाइम पास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। दो ऑप्शन थे, मूवी या पत्ते, हमने पत्ते खेल लेते हैं। ये सुमन तो इतनी देर सोचते हैं फिर जाके एक पत्ता फेंकते हैं, वो भी उठा लेते हैं उल्टा। नहीं आता बेचारे को, अभी बता रहे हैं ये पंजी होती है, ये क्वीन होती है, नहीं आता इसको बेचारे को, पता नहीं इसको। ये हमारी एक्सपर्ट है प्रीति सिंह।